लखनऊ में किसानों की महापंचायत, अब 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक, 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। हरियाणा की आबोहवा फिर हुई खराब, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में अगले आदेश तक स्कूल बंद। हरियाणा में डेंगू ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड, 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के केसेस, 7 जिले बने हॉटस्पॉट। जींद में हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई सीआईए की टीम पर हमला, फायरिंग में बाल बाल बचे सीआईए के अधिकारी, मौके से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलाह बरामद। और गुरुग्राम के भोनसी जिले में 2 गैंगस्टर्स के बीच खूनी संघर्ष, 3 बदमाशों को आई गंभीर चोटें, इलाज के लिए पीजीआई किया रेफर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया, इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, दुष्कर्म के आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुट गई है, नागरिक अस्पताल में नाबालिग का इलाज जारी है, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया है, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, दुष्कर्म के आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है, नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है। तो पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमंग सिरोन हमारे साथ जुड़ गए। उमंग, पुलिस ने नाबालिग लड़की के आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए क्या कुछ कवायद की है, क्योंकि इस दौरान नाबालिग लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया, उसका नागरिक अस्पताल में इलाज जारी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि ये बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया, जिसमें 13 साल की नाबालिग बच्ची ने मृत बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया है, और इस मामले में आरोपी की जो तलाश है वो जारी है, जो उसके लिए जिम्मेदार है उसे तलाश किया जा रहा है, लगातार पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो नाबालिग बच्ची है जिसने मृत बच्चे को जन्म दिया, वो पंचकुला के नागरिक अस्पताल में भर्ती भाव का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल उमंग, हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कवायद कहां तक पहुंची है? देखिए, लगातार महिला थाना पुलिस टीम द्वारा इस मामले में छापेमारी की जा रही है। अभी इस मामले में जैसे ही औपचारिक तौर पर जानकारी प्राप्त हो पाएगी। बिल्कुल उमंग, हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन उमंग क्या वजह है कि पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां नाबालिग के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए हैं, लेकिन पुलिस की भूमिका हमेशा संदेहजनक नजर आती है, क्योंकि अगर पुलिस सतर्क होती तो शायद आरोपियों के मंसूबे इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो पाते। देखिए बिल्कुल, इस मामले में जैसे पुलिस को शिकायत मिली है महिला थाना पुलिस को, तो उन्होंने अपनी तरफ से इसके प्रयास तेज कर दिए हैं, आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए लगातार कई टीमें छापेमारी कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला इसकी जेल से संज्ञान में आया है। जो नाबालिग बच्ची है उसने गर्भ में बच्चे को धारण किए रखा, और अब जब वो बच्चा मृत पैदा हुआ है तब तक की जानकारी में मामला आया, ये अपने आप में पारित को गिरफ्तार कर लेने वाला मामला है कि परिजनों ने भी पहले इस तरह की बात था। बिल्कुल, हालांकि परिजनों की भी तरफ से इस मामले में ढिलाई बढ़ती गई, लेकिन अब जब पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की कार्यशैली जरा धीमी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस अभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को अपने कब्जे में ले पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोविंद कांडा एलनाबाद में रोड शो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, गोविंद कांडा एलनाबाद में रोड शो करेंगे, एलनाबाद शहर के लोगों को धन्यवाद करेंगे। एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी थे गोविंद कांडा, जो कि अब जीत के बाद लोगों को धन्यवाद करने लोगों के बीच पहुंचेंगे। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गोविंद कांडा एलनाबाद में रोड शो करेंगे, शहर के लोगों को धन्यवाद करने के लिए ये रोड शो किया जा रहा है। बता दें कि एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे गोविंद कांडा, अब जीत के बाद शहर के लोगों को धन्यवाद करने एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे गोविंद कांडा। तो एलनाबाद उपचुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी थे गोविंद कांडा, बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, वहीं जीत के बाद अब वो जनता के बीच पहुंचेंगे जनता का धन्यवाद करने। एलनाबाद शहर के लोगों को धन्यवाद करेंगे गोविंद कांडा, जहां रोड शो के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे और जनता को धन्यवाद अदा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, जहां गोविंद कांडा एलनाबाद में रोड शो करेंगे। बता दें कि रोड शो के माध्यम से जनता को धन्यवाद अदा करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में। एलनाबाद उपचुनाव में गोविंद कांडा का नाम सामने आया था, वहीं अब जीत के बाद जनता के बीच एक बार फिर से पहुंचेंगे। बता दें कि लगातार नेता और जनप्रतिनिधि जनता के पास पहुंचते हैं चुनावी मैदान में जाने से पहले, चुनाव में वोट करने के लिए वो जनता की मदद मांगते हैं। वहीं कई नेता इनमें से ऐसे भी होते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जनता से रूबरू होना जरूरी नहीं समझते, लेकिन गोविंद कांडा का ये सराहनीय कदम सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं जनता में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता ने उनपे विश्वास जताकर उन्हें विजयी बनाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिरसा से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, बहुत बड़ा कदम इस दौरान बीजेपी की तरफ से सामने आया, क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि और नेता जनता के बीच जाते हैं, रोड शो करते हैं, उनसे वोट मांगने की अपील करते हैं, लेकिन अब एलनाबाद उपचुनाव के बाद एक बार फिर से गोविंद कांडा रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, इस बार धन्यवाद देने के लिए बीच पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा के जो उम्मीदवार थे गोविंद कांडा, आज से उन्होंने एलनाबाद के दौरे शुरू कर दिए हैं। हालांकि आज दोपहर बाद ही एक ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन बताया जाता है कि गोविंद कांडा का अपना ही वहां एलनाबाद में एक रुतबा एलनाबाद उपचुनाव में एस्टेब्लिश हो चुका है। हालांकि भाजपा इस हलके से कभी कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन थे पवन बेनीवाल जो भाजपा के उम्मीदवार थे, हालांकि अभय सिंह चौटाला पे 12,000 की लीड से चुनाव हार चुके थे, लेकिन उन्होंने भी एक भाजपा को वहां अच्छा स्टैंड किया था। लेकिन भाजपा के जो इस बार के उम्मीदवार थे गोविंद कांडा, उन्होंने काफी वहां मेहनत की। भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने भी काफी मेहनत की, जिसका नतीजा ये था कि एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा को करीब 60,000 वोट मिले। हालांकि पिछले इतिहास की बात की जाए तो भाजपा का जो इलेक्शन होता था एलनाबाद में काफी बुरी स्थिति होती थी, लेकिन इस बार जो भाजपा हालांकि जीत नहीं पाई है, लेकिन भाजपा का जो रिजल्ट है काफी अच्छा देखने को मिला। और आज बिल्कुल विजय, हालांकि भले ही एलनाबाद में बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो, लेकिन अगर एलनाबाद की बात करें तो यहाँ की सीट हमेशा पेचीदा रही है, यहाँ की राजनीति हमेशा पेचीदा रही है। यहाँ पर जीतने के लिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों को ही कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एलनाबाद में बीजेपी हालांकि जीती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने भरसक कोशिश की है चुनाव में फतह हासिल करने की। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी ने काफी कोशिश की थी चुनाव जीतने के लिए, हालांकि जसपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी खूब प्रचार किया। बात की जाए सीएम मनोहर लाल खट्टर की, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, और तमाम जो भाजपा और जसपा के नेता थे खूब मेहनत की एलनाबाद में कमल खिलाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि एलनाबाद सीट पूरे हरियाणा की ऐसी हॉटसीट बन चुकी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो विधायक बनाने की इच्छा पाले रहती है, लेकिन अभी तक कामयाबी जो सबसे ज्यादा है इनेलो को ही मिल पाई है। और 2021 के बाई इलेक्शन में भी अभय सिंह चौटाला जो INLD के लीडर थे उनको ही कामयाबी मिली है। हालांकि भाजपा का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी अच्छा रहा। बिल्कुल विजय, बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले इस बार काफी सराहनीय और काफी बेहतर देखने को मिला। शायद यही वजह है कि गोविंद कांडा एक बार फिर से जनता से रूबरू होने रोड शो करने वहां पहुंच रहे हैं। शायद जनता को वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जीते भले ही नहीं यहाँ से हैं, लेकिन जनता का साथ अभी भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, गोविंद कांडा आज से अपने एलनाबाद हल्के के दौरे पर शुरू हो चुके हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद ही रोड शो भी करेंगे और एक अपने ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे। उनका यही कहना है कि
भले ही बीजेपी चुनाव हार गई है, लेकिन इलाहाबाद के लोगों का दिल जरूर बीजेपी जीत चुकी है, जिसकी बदौलत उन्हें 60,000 करीब वोट मिले हैं। हालांकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है इलाहाबाद बाई इलेक्शन को लेकर, पहले पे INLD और दूसरे पे बीजेपी। हालांकि कांग्रेस अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हो पाई है और 20,000 के वोटों पर ही सिमट कर रह गई है। इस प्रकार गोविंद कांडा का दावा है कि आने वाले जो दिन होंगे उसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या CM मनोहर लाल या दुष्यंत चौटाला को भी इन्वाइट किया जाएगा, और इलाहाबाद में जो चुनाव के दौरान जो घोषणाएं भाजपा नेताओं द्वारा की गई थी तो उनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कुछ फैसले भी लिए गए, जिसके तहत किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खुला पत्र लिखेंगे, जिसमें MSP बिजली संशोधन बिल, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस की मांग की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत है, वहीं किसान 27 नवंबर को फिर से बैठक करेंगे और 29 नवंबर को किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। बता दें कि लखनऊ में किसान महापंचायत आज किसान निकालेंगे, संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। और हरियाणा में बेकाबू डेंगू ने इस बार 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, 2015 के बाद पहली बार डेंगू के केसेस की संख्या 10,000 के पास पहुंच गई है। गंभीर बात यहां यह है कि हरियाणा में डेंगू के मामले अभी थमने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना डेंगू के लगभग 150 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 7 जिले डेंगू के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और अंबाला जिले इसमें शामिल। लोजी, कोरोना के बाद डंक फैला रहा है, हर दिन प्रदेश में वहीं दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाणा में पंजाब से 12 गुना कम पराली जली है, फिर भी हरियाणा में पड़ोसी राज्य पंजाब से ज्यादा प्रदूषण है। यहां लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में बढ़ते प्रदूषण के चलते अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। चंद्रा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम घूम भी ना पाते हैं, सुबह शाम घर में भी परेशान है जाते हैं, अंदर रहते रहते सांस की भी बहुत दिक्कत हो, मेरे सांस की वैसे भी दिक्कत है और अब ज्यादा है रही है सांस की परेशानी। मैं यहाँ सेक्टर 3 में रह रहा हूँ, प्रदूषण का लेवल 400 के आसपास और उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है, और इस प्रदूषण की वजह से ना तो हम बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। सुबह सुबह ताजी हवा लेने के चक्कर में हम बहुत सारा स्मोक अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कि हमारा गला खराब रहता है और आंखों में जलन रहती है। नगर निगम प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है। सभी 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। बता दें कि 2017 में कैथल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, अब एक क्लिक पर सारा जमीनी रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा। वहीं तहसील पटवारी के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। 18.5 करोड़ से भी ज्यादा कागजों को स्कैन कर ऑनलाइन किया गया। वहीं 11 जुलाई स्तरीय GIS लैब का भी उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद नजर आए। आज का ये अवसर जैसा हम देख रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी कदम ये उठा रहे हैं। जब उन्हें कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया, उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक, एक काम है, सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने, कि एक क्लिक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं।
अब ये सब खतरे खत्म हो गए कि रिकॉर्ड पुराना है, फट गया है, जल गया है, कोई चोरी कर ले गया है, उसमें कुछ लोगों के वेस्ट इंटरेस्ट भी कई बार रहते थे उसको गायब करने के, इस सब चीजों से निजात मिलेगी और हमारे जितने भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड्स हैं जब जिस चीज की जरूरत होगी तब उनको मिल पाएंगे। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने वाली हमारी आईटी की जिले लेवल तक की सारी टीम के मेंबरान मैं तो बधाई दूंगा सबको कि 2 साल के अंदर लगभग 18,77,00,000 डॉक्यूमेंट्स को आपने डिजिटलाइज किया, लगभग 30% डॉक्यूमेंट की दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन करी और देश में हरियाणा को प्राथमिक राज्य बनाया जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल हुआ। और केवल मात्र रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं, आने वाले भविष्य में और विभागों के भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऐतिहासिक वैल्यू रखते हैं उनको भी इस स्कीम के साथ हम जोड़ने का। और हरियाणा सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई करने वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि पहले और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के परिजन भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह सेना में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों और वायुसेना और नौसेना में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। वहीं निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन और पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा संपदा वाले लोगों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने नई नीति निर्धारित की है जिसमें कई वर्ग आरक्षण के लाभ से बाहर हो जाएंगे। सरकार का यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। बढ़ते आगे जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे हैं जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बता दें कि सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं भी जानी, साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की थी, उसको लेकर पीएम ने उनकी किसानों की मांग को मान लिया है। अब किसानों को नैतिक अधिकार नहीं है कि आंदोलन को चालू रखें, फिर भी वो चालू रखते हैं तो उनसे पूछा जाए। साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के उपसचिव के रिश्वत के मामले में पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शुरू से ही गुड गवर्नेंस के नाते करप्शन को खत्म करना चाहती है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए, हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था जिससे किसान वंचित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हट बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें, फिर भी अगर रखेंगे तो उनसे पूछे कि क्यों रखा। यमुनानगर में एक गांव में शादी समारोह में पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 29 नवंबर को लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान वापस लौट जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा में कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। मैं तो बधाई दूंगा प्रत्येक नागरिक को कि देश में पहला प्रदेश हरियाणा है जिसने अपने 18.77 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया और अब ये सुविधा है तो आरटीआई में महीनों महीनों तक रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं हो सकता था, एक क्लिक के साथ वो सारा डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड बारकोडेड रिकॉर्ड अब आम नागरिक के हाथ में आए। बढ़ते आगे जहां रोहतक पहुंचे हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कृषि कानून बनाए थे लेकिन किसानों को इसके बारे में नहीं समझाने में सरकार नाकामयाब रही।
इसलिए देश के आम लोगों के हित में कानून वापस लिए गए। तो वहीं उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव पर 90 लाख की रिश्वत के मामले में कहा है कि कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इस तरह पे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का जो नारा था, ना पर्ची ना खर्ची, उस नारे को साकार करा है। और मैं कहता हूँ कि आज हरियाणा में कोई ऐसा नहीं आदमी जिसको योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिली। और जो जहाँ भी छोटे मोटे रास्ते हैं, मुख्यमंत्री रास्ते को एक एक को बंद करने का काम करा है। चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल हो, अधिकारीगण हो, अगर कोई इस तरह का दोषी करा है, उसकी मिले हैं, तो खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर निजीकरण की तरफ जाता तो 5000 कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में कंडक्टर ड्राइवर 5500 कर्मचारियों को बेड़े में शामिल करा, चाहे कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, 19 मर्सिडीज बस बेड़े में, 150 बस मिनी बस ली, 809 बस अभी साधारण बस बेड़े में शामिल करी। इतनी बड़ी बसें हमने बेड़े में शामिल करी है। आने वाले समय में अभी नई वॉल्वो बस और 17 हम लेकर आ रहे हैं, मिनी बस। वहीं गोहाना पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह साबित हो गया कि किसानों को तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने की लड़ाई जायज थी। प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जो फैसला लिया है, वो एक साल से चल रहे किसान आंदोलन से भाग लेने वाले किसानों की जीत है। जो हुड्डा साहब ने बात ने जो कही वो बात सार्थक हो रही है। ये जो सरकार है इसमें जो है जो भर्तियों का जो मामला है वो लखी और करोड़ी का प्रचलन है सरकार में। आप अगर आपका करोड़ का भी हो तो आप पेपर लीक कराओ। बड़े बड़े स्कैंडल लगातार 38 पेपर लीक, 93 में पेपर लीक हुए। और आपका लाख का भी हो तो आप पेपर अपना जो है पास करवाओ। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं के साथ आज एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा युवाओं के साथ धोखा है उनके भविष्य को लेकर। बढ़ते आगे, जहां सिल्वर मेडल जीतकर लौटी रिद्धि का करनाल में स्वागत किया गया। बांग्लादेश के ढाका में रिद्धि ने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। बता दें कि इस दौरान 17 वर्षीय रिद्धि ने अब तक 51 नेशनल और 6वां इंटरनेशनल मेडल हासिल कर लिया है। रिद्धि ने बताया कि यह प्रतियोगिता हर 2 साल बाद होती है। इस बार एशियन प्रतियोगिता ये बांग्लादेश में हुई। रिद्धि ने इस लायक बनाने वाले कोच और परिजनों का धन्यवाद भी अदा किया और अब आगे की एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं। देश वहां पर आए थे, ये 22nd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप थी जो हर 2 साल में एक बार होती है और इस बार बांग्लादेश ढाका में हुई थी। और उसमें हमारी इंडिया की टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थी और हमारे काफी मेडल्स आए। हमारी रिकर्व वुमेन्स की टीम का सिल्वर आया है, रिकर्व मेन्स की टीम का सिल्वर आया है। अच्छा टूर्नामेंट था, मैं फर्स्ट टाइम एशियन चैंपियनशिप में गई थी और मेरा सिल्वर मेडल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, फिर मेरे कोचेस को जो मतलब सारा टाइम हमारे साथ ग्राउंड में रहते हैं। बिल्कुल रिधि हमारी वो हीरा है और मैं इसे निरंतर 8 सालों से जानती हूँ। ये मेरे घर के पीछे ही वहाँ पर रहती थी और NDRI में जब ये प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी बहुत छोटी होती थी। और मनोज जी को इस बात के लिए बधाई है कि मैंने देखा उनको, मनोज जी को मैंने इसको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा NDRI में, जिस तरह से ये अपना टारगेट लगाकर तीरंदाजी करती थी। तो लगता था इसके अंदर एक जुनून है जो मनोज जी ने बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या के साथ इसके अंदर वो जुनून को पैदा किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से हमारी ये बेटी निखर कर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।